السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون} मोहतरम हाजरीन और मोहतरमा ख़ात खवातिन इस्लामिया ख़वान मिलत इस्लामिया हर कस्म की तारीफ़ व तोसीफ़ हमदोसना किबरियाई व बड़ाई आज़मत व बुज़र्गियाँ और पाकिज़गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्लम के लिए है जो हम सब का खालिक, मालिक राजिक और मदब्बर है उसने अपने पैगाम कोम करने के लिए और जन्नत के रास्तों से वाकिफ कराने के लिए अपने के राम और रसुलज़ाम को इस दुनिया के अंदर मबरोज़ फरमाया सब ने आकर अपनी कौम को अपनी उम्मत को जन्नत के रास्तों से वाकिफ कराया और जो जहन्नम की तरफ़ जाने वाले रास्ते थे सब से मना किया है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुछ ऐसे अमाल बतलाए हैं जिनको अंजाम देकर हम बसहूलत और बसानी जन्नत का रास्ता पा सकते हैं उसी ताल्लुक से आज का मौजू रखा गया है जन्नत की खुशखबरी चूँकि मुबारक का महीना मुकद्दस महीना बाबरकत महीना रहमतों वाला और अल्लाह की मगफ़रत हासिल करने वाला महीना है साथ ही साथ जन्नत हासिल करने और अहले जन्नत में अपना नाम लिखवाने का महीना है लिहाजा मुबारक का महीना बहुत सारी खसूसियात रखता है उनमें से एक ये है कि बहुत सारे अमाल जो हम दीगर महीनों में दूसरे दिनों में नहीं कर सकते इस महीने में बासानी कर सकते हैं सबसे पहले तो ये जान लें कि जन्नत अल्लाह रब्लम की मखलूक़ है और अल्लाह रबुलामी ने जन्नत को पहले ही तैयार कर दिया है और मतकीियों को बतला दिया है कि अगर फ़लाँ फ़लाँ काम करेंगे तो इन शह अज़ीज़ जन्नत का रास्ता हमवार है साथ ही साथ जन्नत के तल्ल से ये बात भी जान लें कि मुबारक का जब महीना आता है जैसे ही चाँद नज़र आता है महीना शुरू होता है इस महीने की खसूसियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दरवाज़ों को जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है ईदाद अशर उरमग़ाना फतेहत अबूआबुलजन्गुलत جهنم वसुलसलत الشياطين लंबी रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं शयातीन, सरकस शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं अभी तो हम लोग ज़िंदा हैं जन्नत में कोई जा नहीं रहा है साथ ही साथ जो लोग इस दुनिया से गुज़र चुके हैं जो वफात पा चुके हैं वो आलम बरज़ख में हैं जो जन्नत के खोलने का मकसद क्या है जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है ला आलमीन ये बताने के लिए कि जन्नत तुम्हारा इस्तबाल करने के लिए तैयार है इस मुबारक में ऐसे आमाल करो जो जन्नत को तुम अपने वा उपने... अपने अपने ऊपर वाजिब कर लो और जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है वेलकम करने के लिए तैयार है लिहाजा ये बंदे के अंदर तड़प पैदा करने के लिए ख्वाहिश पैदा करने के लिए और जन्नत को पाने की तमन्ना के लिए तमन्ना पैदा करने के अल्लाह आलमीन जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है जन्नत में जाने के आमाल बहुत सारे हैं तमाम का इहाता करना तमाम को बयान करना तो नामुमकिन है चंद चीज़ों को बयान किया जा रहा है मिसाल के तौर पर सबसे पहले ये कि जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले ईमान की शर्त है और आमले साल अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो नेक आमल ईमान के साथ हम करेंगे तो इन शज़ीज़ जन्नत हमारा ठिकाना होगी अल्लाह रब्लम ने फरमाया जैसा कि मैंने पहली आयत पढ़ी व आमनू व अमिलुस सालिहाति का सहाबल जजन्ना वो लोग जो ईमान लाए और आमल साल किए वो लोग जन्नती हैं इसी तरह से दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम नतलम फिरदौस दौसिनज़ुल के जो लोग ईमान लाते हैं और फिर नेक अमल करते हैं अमल साल करते हैं उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है मेहमानी के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से तकरीम के तौर पर इज्जत के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करेगा इसी तरह से अगर जन्नत पाना है जन्नत की खुशखबरी उन लोगों को उन लोगों को सुनाई जाती है जो लोग ईमान लाने के बाद इस ईमान पर इस इस्लाम पर साबित क़दम रहते हैं और इस्तेकामत इख्तियार करते हैं चुनान चेह रबालमिन ने इर्षाद फरमायादून अल्लाह रब्लमी Al ने फरमाया जो लोग ईमान लाने के बाद डट जाते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद उस पर डट जाते हैं तो उन पर मलाइका नाजिल होते हैं मलाइका हाजिर होते हैं और कहते हैं तुम्हें रन गम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है तुम उस जन्नत से खुश हो जाओ जिस जन्नत का तुमसे वादा किया जाता था और सहब कराम और सहाबियात के वाकयात को अगर हम देखें तो मालूम होता है किस तरह से ईमान लाने के बाद उन्होंने इस्तेकामत दिखलाई है ईमान से इस्लाम से रसुल्ला अलैहि वसल्लम की इताअत से दूर करने की बहुत कोशिश की गई सुमैया रजियालासर रजियाल्लामार बिन यासिर रजील्ला इनके वाकयात पढ़िए दिल दहल जाते हैं कैसे कैसे वाकयात हैं किस तरह से तड़पाया गया किस तरह से जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए उसके बावजूद उन्होंने इस्तकामत की तारीख़ रकम कर दी है चुनानचे अगर जन्नत पाना है तो ईमान लाने के बाद जितनी कठिनाइयाँ आएँ जितनी परेशानी आई आए, आएँ जितनी मुसीबतें आएँ हमारे ऊपर हमें सब कुछ बर्दाश्त करके इसकामत इख्तियार करना है यानी ईमान पर इस्लाम पर डटे रहना है तो इन शजीज़ जन्नत की खुशखबरी हमें मिलेगी इसी तरह से अगर कोई बंदा वजू करता है और वजू के बाद दो रकात नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह के रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए जन्नत तो वाजिब हो जाती है सुभान अल्लाह मा मिन मुस्लिम यतवद्दू फयहसिनु अलउधवा थुम्मा यقوم फयसल्ली रकातैन युकबिलु अलैहा बकलबी ववजही जबत लहुलजन्ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई मुसलमान अगर वजू करता है अच्छे ढंग से वजू करता है मुकम्मल वजू करता है और उसके बाद दो रकात नमाज़ पढ़ता है जिसके जिसमें वो खुश व खजू इख्तियार करता है उसका दिल भी हाजिर होता है और उसके अमाल भी सही होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व जबत लहुलजन्ना उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती इसी तरह से अगर कोई शख्स दो वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता रहे दो वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता रहे नमाज फजर और नमाज आसर यूं तो तमाम नमाजें पढ़नी हैं लेकिन जो शख्स इन दोनों नमाजों की पाबंदी करता है गोया कि और नमाजों की पाबंदी बदरजाला वो करेगा उस ताल इस तल्लु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल बरदैनी दखल जो दो ठंडी नमाजें पढ़ेगा वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा कितनी अजीम खुशखबरी है कि सिर्फ फज्र और आसर जैसा कि महदसिन ने इसको फज्र और असर बतलाया है और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने भी वाज तौर पर फज्र और असर की तयन कर दी है जो शख्स फज्र और असर की नमाज़ पढ़ेगा वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा क्योंकि ये दो नमाज़ें ऐसी हैं जब इंसान गाफिल होता है इन नमाज़ों से फ़जर का वक्त वो होता है जब हम बिस्तर में बिस्तर पर पड़े रहते हैं नरम गुदाज बिस्तर को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते अगर गर्मी के दिन है मौसम गर्मा है तो उस वक्त हमारी नींद नहीं होती पूरी और आँखों में नींद भरी रहती है उठने का दिल नहीं करता और अगर सर्दी का मौसम है तो उस वक्त ठंडे ठंडे पानी से कौन वज़ू करे कौन नरम गुदाज और अच्छे ब्लैंकेट को छोड़ करके पानी अपने हाथों को लगाए अपने चेहरे को लगाए फिर इसी तरह से ठंडी हवा में मस्जिद की तरफ जाए इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स फज्र फ़ज्र की नमाज़ का अहतमाम करे इसी तरह आश्र की नमाज का वो वो वक्त होता है जब हम तिजारत में मशगूल होते हैं बिजनेस में बिज़ी रहते हैं उस वक्त हमारे यहाँ कस्टमर भी होते हैं उस वक्त कभी चिलचिलाती धूप होती है तभी कुछ होता है और उस वक्त अगर कोई शख्स इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देकर फज्र के लिए नमाज़ें फ़ज्र के साथ साथ नमाज असर का अहतमाम करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए भी ऐसे लोगों के लिए भी जन्नत की खुशखबरी है इसी तरह से अगर कोई शख्स पांच वक्त की नमाज़ें पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करें तो उसके लिए भी जन्नत की खुशखबरी है नबी करीमल आसलम ने शायद फरमाया मुसनद अहमद अबू दाऊ और नसई वग़ैरह की रवायत है

और बहुत आसानी से कोई भी मुसलमान कर सकता है ऐसे अमाल के ज़रिए से हमें जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अजीम खुशखबरी दी नमाज की जब बात आई तो ये बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यार नमाज़ों में अगर हम हाज़िर भी होते हैं तो ये इंतज़ार में रहते हैं इस इंतज़ार में कि जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे फौरन हम मस्जिद से निकल जाएंगे फौरन मुसल्ले से निकल कर अपने काम में मशगूल हो जाएंगे यहाँ तक के सन्नत मादा जो दिन भर में बारा रखाते हैं बारह रखाते हैं जो सुन्नत मौदा है उनको भी हम छोड़ देते हैं मगरब की नमाज़ हुई फौरन फ़ौर जिक्रज़ार के बग़ैर ही नमाज से फारिग होते ही हम बाहर चले जाते हैं इसी तरह से फज्र की नमाज़ में भी हम ये करते हैं कि जब फज्र की नमाज़ खड़ी हो जाती है और जमात ठहर जाती है तो उसके बाद हम शामिल होते हैं और फौरन निकल जाते हैं इसी तरह से और भी जो दूसरी नमाज़ें हैं जहर का वक्त हो या ऐशा का वक्त हो इन तमाम में हम गाफ़िल रहते हैं फ़ज्र की दो सुन्नतें हैं असर से पहले चार सन्नत वैर मौकेदा है जो जहर से पहले चार रकात है वो सुन्नत मौकेदा जहर के बाद दो रकात कितने हो गए आठ इसी तरह से मगरिब के बाद दो रकात और ईशा के बाद दो रकात ये तमाम मिलाकर के बारह रकाते हैं उम हबीबा रदी अल्लाह उ फरमाती हैं मशहूर हदीस है, है। उम हबीबा कौन है हजरत सफियान रदी अल्लाह की हजरत अबू सुफिया की बेटी है हजरत मामियावी की बहन है और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की जवज मुहतरमा है उनसे हदीत मरवी है हदीत कि जिस शख्स ने इन बारह रखतों को अहतमाम के साथ पढ़ा इनका अहतमाम किया अल्लाह रबालमिन उनके लिए अल्लाह अकबर उनके लिए जन्नत में महल तैयार कर रख उनके लिए महल तैयार कर देता है अगर हमें मालूम हो जाए फला जगह प्लाट मिल रही है कोई ज़मीन मिल रही है बहुत ही सस्ते दामों में हम क्या करते हैं फ़ौर उसके लिए एक दूसरे से मुसाबका आरई करते हैं कंपटीशन करते हैं हमें मिल जाए हमें मिल जाए अल्लाह रब्बुल रब्बालमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये गारंटी दे रहा है अगर कोई शख्स इन बारह रक़तों का अहतमाम करे तो वो जन्नत में अपना महल तैयार कर रहा है इसी तरह से और भी कुछ काम है आसान 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 अमल मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया सही तरगीब की रिवायत है इमाम अलबानी रहीमल्ला ने सही करार दिया है रावी हदीस अब्दुल्ला बिन सलाम है कहते हैं चार ऐसे काम हैं मर्द करें या औरत करें जन्नत की खुशखबरी उसे मिल जाएगी अल्लाह अकबर फरमाया फा फरमायान्नास अफुल्सलम वाम वा वसीम वसलूबिल्ली व नाम तदखन्नत सलाम आसानी के साथ जन्नत में दाखिल होने वाले अमान क्या है सबसे नंबर वन के सलाम को आम करें सलाम को आम करें सलाम को फैलाएं जो भी है उसको सलाम करना है हम पहचान हम पहचानते हो या ना पहचानते हो मुसलमान है मालूम है सलाम करना है एक नंबर दूसरे नंबर पे खाना खिलाना वाक मुख तीसरे नंबर पे रिश्तेदारी जोड़ना रिश्तेदारी निभाना और चौथे नंबर पर रात में जब तमाम लोग नींद की आगोश में चले गए हों तो वहां पर नमाज पढ़ना ये चार ऐसे काम हैं जो बसानी हम कर सकते हैं चलते फिरते जो भी हमें मिले सलाम करना है सलामती की दुआ देनी है वो सलाम का जवाब दे ना दे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता इसी तरह से खाना खिलाना खाना खिला खिलाने की भी बहुत ताक़द आई है कुरान करीम में और हादीस नबिया में इसी तरह से रिश्तेदारी को जोड़ना ये बहुत मुश्किल काम है आज क्या होता है हम रिश्तेदारी निभाते हैं उसके साथ जो हमारे साथ रिश्तेदारी निभाए हम उन्हीं के घर जियारत के लिए जाते हैं जो हमारे घर आए जो हमसे अच्छे से बोलते हैं अच्छी तरह बात करते हैं हम उनके उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं अच्छी तरह बात करते हैं और बक़िया लोगों को जाने दो लाइट लेते हैं तो इस तरह से नहीं अगर रिश्तेदार निभा दे उसके बाद फिर क्या करना है और रात में नमाज़ पढ़नी है वो तो हर कोई कर सकता है और किसी को मालूम भी नहीं होगा रात की नमाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत प्यारी है फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो अहम इबादत है और अहम नमाज है वो है रात की नमाज़ें चुनान जी ये चार काम करने के बाद इंसान जन्नत की खुशखबरी पा सकता है इसी तरह से एक औरत के लिए एक ख़ातून के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी अल्लाह के नबी सई है फरमाए अल्लाह के नबी सदा सल्लतलमरत ख़मसहा वसामत शाहरा वफिज़त फ़रजहा वत जव जहाँ दखल जन्न दखलतल जन् चार काम सिर्फ छोटे छोटे काम आसान काम अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो औरत पांच वक्त की नमाजें पढ़ ले रमज़ान के रोजे रख ले जो फ़र्ज है हम हर कोई करता है वह हफीजत फरजहा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले आसान काम यहां फिर वह अका जव और अपने शौहर की इतात व फरमाबरदारी कर ले दखल जन्ना दखलत अलजन्ना वो, वो जन्नत में दाखिल हो गई अल्लाह अकबर और माजी का जन्नत में दाखिल हो गई अंदर अब उसे कोई चीज रोकने वाली नहीं तो सोचिए कितनी अजीम खुशखबरी है उन खवातीन के लिए भी जो इन तमाम कामों को अंजाम दें हर एक की तफसील अलग है लेकिन और एक रिवायत में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जो ये काम औरत कर ले जो औरत ये चारों काम कर ले वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है जन्नत के कितने दरवाजे हैं आठ दरवाजे हैं और आठों को खोल दिया जाता है जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ ये अजीम खुशखबरी बहुत ही कम लोगों को मिलती है इसी तरह से अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स तजारत करता है बिजनेस मैन है और वो अगर उसके अंदर सिद्को अमानत दारी के से काम लेता है सच्चाई का दामन नहीं छोड़ता और इसी तरह से अमानत दारी से काम लेता है खयान खयानत नहीं करता तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमायाजरसदुकमीन मान नबिगीना व सद्दीक व शहदा अल्लाह अकबर तिरमीज़ी की रिवायत है इमाम अलबानी रही ने सिलसिले सहीह के अंदर इसे सही करार दिया है कि जो शख्स ताजिर है और वो अमानतदार है सच्चा है तो नबियों के साथ सद्दीक़ों के साथ सच्ची सच्चे लोगों के साथ और शहदा के साथ होगा यानी ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा इसी तरह से अगर कोई शख्स किफालत करता है यतीम की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीम की किफालत करने वाला मैं और वो दोनों इस तरह से होंगे दो उंगलियों को सब बाबा को शहादत की उंगली को और इसको मिडिल फिंगर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दिखाया कि दोनों के दरमियान जितना फासला है बस उतना ही फ़ासला हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे अल्लाह अकबर ये भी एक अजीम इबादत है इसी तरह से चार ऐसे काम जो एक दिन में अगर कोई शख्स करे तो उसे जन्नत की खुशखबरी मिल जाती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि मज तम तमाँ, अन मज तम अनफी फ़िम्र फी दखल जन्ना एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कराम की जमात में उनके दरमियान फरमाया कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जिसने रोज़े की हालत में शुभ की है मन असब हमिनलियामन कौन है हज़रत अबू बकर उठे और हज़रत अबू बकर के क्या कहना खलेफ अल तमाम अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले सहाबी और सबसे ज़्यादा अफजल सबसे बड़े सहाबी हज़रत अबू बकर कहा मैं अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा फ़मन तब आमिन को मल्याम जनाज़तन ये बताओ तुम में से कौन शख्स है जिसने आज किसी जनाजे में शिरकत की हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसोल अना मैं फिर कहा फ़मन अक आम अमिन को तुम में से कोई शख्स है जिसने मस्किन को खाना खिलाया हो आज फिर हज़रत अबू बकर उठ करके कह फरमाते हैं मैं फिर कहते हैं फमन आद अमिन कुमलियामरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऐसा भी शख्स है तुम तुम्हारे दरमियान जिसने आज मरीज़ की यादत की हो बीमार की बीमार पुर्सी की हो हजरत अबू बकर ने कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों आमाल को जिक्र करने के बाद फरमाया मज तम फी मन अखल जन्ना किसी शख्स के अंदर अगर ये चार खूबियाँ अगर चार ये खसलतें और चार सिफात अगर किसी के अंदर पाए जाएँ तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा अल्लाह अकबर ये भी छोटे छोटे अमाल है कोई अगर हमारे दरमियान भूखा है अगर कोई प्यासा है उसे पानी पिला देना उसे खाना खिला देना अगर कोई बीमार पड़ता है मरीज़ है हॉस्पिटल में है घर में है जाकर के ज़ियारत कर लेना और इसी तरह से अगर जनाजा है किसी का अगर किसी की मैयत होती है हम उसमें शरीक हो जाएं और इसी तरह से अगर हम रोज़ा रखने की इस्तात रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल रब्लम ने हमें इस्तात दी है तो हम नफली रोज़े भी रखें अगर इस तरह से हम कर लेते हैं तो जन्नत की खुशखबरी हमारे लिए हमारे लिए मिल जाती है अल्लाह के नबी सल्ला वसल्लम की ज़बानी इस तरह से और भी बहुत सारी हदीसें हैं और बहुत से आए अमाल हैं मिसाल के तौर पर जो शख्स सच्चाई को लाजिम पकड़ता है अल्लाह के नबी सल्ह वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चाई ये नकी का रास्ता बतलाती है और नेकी का रास्ता ये जन्नत की तरफ ले जाने वाला अमल है लिहाजा इन तमाम चीज़ों को हमें बरतने की ज़रूरत है इसी तरह से और भी है मिसाल के तौर पर एक नबी एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी और एक अमल से रोका था कहा था सुन सही तरगीब की रिवायत है इमाम अलबानी रही ने सही लगैर ही करार दिया है और रावी हदीस रबी हदी अबूदरदार अन्हु फरमाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तकज़जब व लक़ल जन्ना कितना आसान कितना छोटा सा अमल हम रोज़ाना कर सकते हैं कहा ला तकज़ब व लकल जन्ना तुम गुस्सा मत करो तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट तैरती रहनी चाहिए और तुम्हारे जो जबड़े हैं वो दूसरों के लिए बिल्कुल तुम्हारे गाल फूलने नहीं चाहिए तुम्हारी नज़रों तुम्हारी नज़रों से दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और तुम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम ना उठा लो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्से में शैतान तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेता है और तुम्हारे ऊपर काबू पा जाता है इसलिए फरमाया अल्लाह तगज़म अगर गुस्सा नहीं करोगे बहुत सारे बुरे आमाल से तुम बच कर रहोगे व लकल जन्ना और अल्लाह रबुआलमी की तरफ से तुम्हारे लिए जन्नत है इसी तरह से अगर कोई शख्स अगर कोई शख़्स ऐसा है जिसके तीन बच्चे हैं और उन तमाम की वफात बलुगत से पहले हो गई है बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं बहुत सारी बहनें हैं जिनकी औलाद दो साल डेढ़ साल या पैदा होते ही इंतकाल फरमाए जाते हैं अगर वो सब्र करता है इंसान तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर दी है इल्ला अदखलहुल जन्ना ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर देता है ये कुछ आमाल थे और भी बहुत सारे आमाल हैं लेकिन वक्त की तंगी की बिना पर मैं यही चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ ये चंद आमाल हैं जो छोटे छोटे आमाल हैं बिल्कुल जैसे गुस्सा नहीं करना मिसकिन को खाना खिला देना नमाज़ वक्त पढ़ना वजू अच्छे तरीके से करके मुकम्मल वजू करके दो रकात नमाज पढ़ लेना इसी तरह से एक हदीस में है सैदल इस फना अल्लाह रबीखलनी ये अपनी भी याद करें खुद भी याद करें बच्चों को भी याद कराएं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके जरिए से हम जन्नत की खुशखबरी पा सकते हैं और जन्नत में जाने के मुस्क बन सकते हैं लिहाजा हमें चाहिए कि जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें और रोज़ाना ये समझें कि हम अल्लाह की तरफ़ से खुशखबरी पाने वालों में शामिल हो जाएं और हमारा शुमार जन्नतियों में से हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब करीम हम तमाम लोगों को जन्नत में ले जाने वाले आमाल तमाम आमाल की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह से हम सबका का शुमार जन्नत की खुशखबरी पाने वालों में करें आमीन या व सल्लल्लाहु अला आमिनिया रबालमिन वाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महमदिन सल्ही व असलकुम व बरकातहू